नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गणेश जी के बारे में। गणेश जी जो हैं, गणपति जी जो हैं, वो हमारे नॉर्थ इंडिया के, हमारे उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रिय देवता हैं, बहुत ही पॉपुलर डेटी हैं। तो आज मैं आपको वास्तु से रिलेटेड गणेश जी के बारे में सारी चीजें बताऊंगी। गणेश जी को हमारे शास्त्र में विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले जो सबसे पहली पूजा, जो सबसे पहली अर्चना है, वो भगवान गणेश की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे दिवाली हो, चाहे धनतेरस हो, या फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार हो, गणेश जी की जो पूजा है वो किसी भी पूजा में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी के बाद कई जगह पर गणेश जी का महत्व बताया गया है। तो अपने आज मैं आपको गणेश जी से संबंधित वास्तु की सारी जानकारी दूंगी। ये मंत्र तो हम सबने सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, वक्र यानी कि वक्री, मुड़ी हुई तुंड यानी कि जिनका जो ट्रंक है, जिनकी जो सूंड है, वो किसी एक डायरेक्शन में मुड़ी हुई होती है, इसलिए उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है। महाकाय कहा जाता है गणेश जी को, और कहा जाता है कोटि सूर्य समप्रभा यानी कि करोड़ों सूर्यों का तेज जिन भगवान में है वो गणेश जी है। और फिर हम कहते हैं निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हम जिस भी नए काम में अपना हाथ डालें, जो भी हम मांगलिक कार्य शुरू करें, उसमें आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और इसीलिए हम सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी को याद करते हैं। जब भी कोई त्योहार या कोई पर्व आता है, खासकर जब गणेश चतुर्थी आती है, तो हम बाजार जाकर अपने घर में गणेश जी की एक प्रतिमा लेकर आते हैं। तो जब हम बाजार जाते हैं तो उस समय हमारे मन में ये सवाल आता है कि वास्तु के अनुसार हमें गणेश जी की कैसी प्रतिमा अपने घर में लानी चाहिए। गणेश जी के बैठे हुए प्रतिमा भी होती है, गणेश जी की लेटी हुई प्रतिमा भी होती है, नाचते हुए भी होती है, बाल गणेश भी होते हैं, बांसुरी वाले गणेश भी होते हैं, कई मटेरियल्स में उपलब्ध होते हैं। मूर्ति लाएं, तस्वीर लाएं, और कैसे वास्तु के अनुसार उसे अपने घर में स्थापित करें, ये सभी प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, हमारे सामने आते हैं जब हम गणेश जी की बात करते हैं। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको देने वाली हूँ, और इसमें बताने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार हम गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे करें। वैसे तो गणेश जी का जो पूरा शरीर है, जो पूरी बॉडी है लॉर्ड गणेशा की, वो किसी ना किसी चीज को सिंबलाइज करती है। उनका जो पूरा शरीर है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर सबसे पहले बात करें तो गजानन कहा जाता है, यानी कि जिनका गज के समान शीश होता है, जिसका गज के समान शीश होता है यानी कि विशाल बुद्धि या फिर चतुरता या फिर बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। तो ऐसा कहा जाता है जब हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे में भी चातुर्य आता है, विजडम आता है, और हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। फिर गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर यानी कि जिनका पेट जो है वो निकला होता है और वो समृद्धि का सूचक होता है। ऐसे निकला हुआ पेट यानी कि हमारे लाइफ में समृद्धि और प्रोस्पेरिटी को जो लाने वाले हैं वो है भगवान गणेश। साथ ही गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा जिनकी सूंड वक्री है यानी कि मुड़ी हुई है। गणेश जी की जो सूंड होती है, गणेश जी का जो ट्रंक होता है, वो लाइफ में आने वाले अप एंड डाउन को डिनोट करता है, यानी कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसकी सिंबॉलिक होती है गणेश जी की सूंड। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के लेफ्ट साइड में मोदक यानी कि लड्डू होता है। मोदक जो है वो आनंद का प्रतीक होता है, और साथ ही गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा यानी कि मूषक को गणेश जी का वाहन माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि चूहा जो भी होता है वो हर एक चीज को कुतर लेता है। गणेश जी के नीचे चूहा होता है तो वो हमारे जीवन से कुतर्क को दूर करता है, यानी कि इल लॉजिक को हमारे जीवन से दूर करता है, अगर हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो। जब भी हम गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी जो है उनके एक जो उनकी लेफ्ट, उनका जो ट्रंक है, उनकी जो बाएं हाथ की सूंड है,
उसमें एक मोदक होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान दें कि गणेश जी का जो हाथ है वो वर मुद्रा में होना चाहिए, जैसे कि वो आपको आशीर्वाद दे रहा हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि गणेश जी के सर पे मुकुट हो तो उसको भी वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसे गणेश जी हमारे जीवन में रॉयल्टी यानी कि राजसीय सुख लेकर के आते हैं। ये भी कहा जाता है कि गणेश जी को साज सज्जा बहुत ही पसंद है, इसलिए जब आप गणेश जी को अपने मंदिर में लाके स्थापित करें तो उनको अच्छे से सजा के रखें, उनको अच्छा सा आसन दें, उन्हें कोई माला पहनाएं और नियमित रूप से उनकी पूजा भी करें। आपने देखा होगा कि बाल गणपति भी होते हैं और उनके ललाट पर चंद्रमा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन दंपत्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं होता या फिर अगर आप उन कपल्स में से हैं जो कि जो एक प्रोजनी बढ़ाना चाहते हैं, चाइल्ड चाहते हैं, तो उनको अपने घर में इस तरह के बाल गणपति की पिक्चर या फिर छोटी सी मूर्ति रखनी चाहिए। एक और चीज जिसका कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो ये भी है कि गणेश जी का पैर अगर धरती पर टिका हो तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर गणेश जी का पैर धरती पर टिका होता है तो सब तरह की सफलता हमारे कदम चूमती है और हर तरह की स्टेबिलिटी हमारे जीवन में आती है। जब हम गणेश जी की बात करते हैं तो गणेश जी की जो सूंड यानी कि उनका जो ट्रंक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जो पार्ट है वो हमारे सामने आता है और हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर गणेश जी की सूंड की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि गणेश जी की सूंड जो है वो तीन तरह की होती है। किसी गणेश जी में ऐसा होता है कि उनकी मूर्ति में जो सूंड है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, किसी में उनकी जो सूंड है वो राइट की तरफ जाती है और कहीं पर उनका ट्रंक स्ट्रेट होता है। तो हम सभी के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि हमें किस तरह की मूर्ति अपने घर में लानी चाहिए और किस मूर्ति का क्या महत्व होता है। आज मैं इस बात के बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस बात से शुरू करते हैं कि जब हम गणेश जी के ट्रंक यानी कि उनके सूंड की दिशा की बात करते हैं तो वो दिशा किसकी, अगर हम कहें सीधे हाथ की दिशा तो मेरे सीधे हाथ की दिशा या गणेश जी के सीधे हाथ की दिशा। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस द्वंद को क्लियर करती हूँ कि जब भी हम गणेश जी के सूंड की बात करते हैं उसका अर्थ होता है कि जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो गणेश जी के किस हाथ की तरफ जा रही है। अगर जो सूंड है वो गणेश जी के लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न हो रही है तो उसको लेफ्ट की सूंड माना जाएगा। अगर वो गणेश जी के राइट की तरफ टर्न हो रही है तो उसको राइट का ट्रंक माना जाएगा। और जो सीधी होती है वो स्ट्रेट ट्रंक होती है, सीधी सूंड होती है। अब बात करते हैं कि इन जो ये जो गणेश जी की ट्रंक या सूंड की डायरेक्शन है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ होता है। जो गणेश जी लेफ्ट सूंड वाले होते हैं उनको कहा जाता है वक्रतुंड, यानी कि उल्टी दिशा में उनकी जो सूंड है वो मुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बाईं दिशा की ओर जाने वाली जो सूंड होती है वो ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा नाड़ी जिसे कि मून या फिर चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्र नाड़ी जो है वो फेमिनिन कैरेक्टर को यानी कि स्त्री को रिप्रेजेंट करती है और हमारे जीवन में शांति और ठंडक जो है वो चंद्रमा लेके आते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट साइड वाली वक्रतुंड वाली जो गणेश जी की प्रतिमा है जिसमें सूंड लेफ्ट साइड की तरफ जाती है वो रिप्रेजेंट करती है ईड़ा नाड़ी को और हमारे जीवन में शांति लाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी मटेरियल प्लेजर्स हैं, जितने भी सांसारिक सुख हैं, वो ऐसे गणपति यानी कि वक्रतुंड गणपति की पूजा से हमारे घर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो वक्रतुंड गणेश जी का फॉर्म होता है जिसमें उनकी सूंड लेफ्ट में होती है वो घर में रखनी चाहिए। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।